अस्सलाम वालेकुम जी, पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आजम। जैसा कि हर तरफ जो है यही हम आवाज़ सुन रहे हैं कि सोलर पैनल सस्ते हो गए हैं, तो जनाब बिल्कुल सस्ते हो चुके हैं। और यहाँ पर हम इस वीडियो में ये भी बताने जा रहे हैं कि जनाब आप कितनी प्लेटों पर कितने पंखे और कितनी लाइटें चला सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने एक छोटा एक टन का AC चलाना है तो उसके लिए कितनी प्लेटें और कितने पैसे दरकार हैं, ये तमाम तर बातें आज की इस वीडियो में। हमारे साथ मौजूद हैं शहाब कुरैशी भाई, मौजूद हैं सोलर पैनल एसोसिएशन के साथ वाबस्ता हैं, और इसके साथ साथ काफ़ी अरसे से पाइनियर्स हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। इनसे जानते हैं कि मार्केट में किस किस्म की प्लेटें दस्तयाब हैं, और इसके साथ साथ सबसे सस्ता जो पैकेज है जो गरीब घर में या किसी ऐसे घर में जो कि ज़्यादा पैसे नहीं भर सकता उस घर में जनाब सबसे जो इकोनॉमिकल और सस्ता पैकेज है वो कौन सा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा साहब भाई, सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि मार्केट में कितने किस्म की सोलर प्लेटें दस्तयाब हैं। असलान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट अपनी बात का आगाज़ इस चीज़ से करना चाहूँगा, फबैया आला रबे का माँ तो कज़बान, तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी की नेमत को जुटलाओगे, जिसमें सबसे बड़ी नेमत जो सी है वो सूरज है। सूरज आपसे रकम का तकाजा बिल्कुल ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि आप मुझे यूज़ करें, आप सोलर पैनल के लिए एक अल्टरनेटिव एनर्जी है। ये उन लोगों के लिए है जो बिजली के बिलों से भरपूर तरीके से सताए हुए हैं। तो ये एक सोलर एक अल्टरनेटिव एनर्जी सोल्यूशन है। छोटे से मैं एक पैनल से स्टार्ट करता हूँ। अगर एक 12 वोल्ट का पैनल है उसमें 12 वोल्ट और तकरीबन 6-8 एम्पीयर निकलते हैं, वो आप छत पे लगाएंगे, उस पर सूरज की शुआएं पड़ेंगी, इलेक्ट्रोड वगैरह उसके साथ वर्किंग में आएंगे, तो नीचे उसके वोल्टेज आएंगे और एम्पीयर आएंगे। नीचे आप डायरेक्ट एक नीचे फ़ैन लगा दें, फ़ैन नहीं लगाना, आप एक कूलर लगा लें। आजकल DC कूलर फ़ैन भी आए हुए हैं और DC कूलर भी आए हुए हैं, वो लगाने से आपका पूरा दिन कूलर विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी आपका चलता रहेगा। यानी कि एक छोटी प्लेट से, इस छोटी प्लेट की कीमत क्या है? एक छोटी प्लेट की कीमत आपको तकरीबन मार्केट में तो खैर तकरीबन 13-13.5 हज़ार रुपये की है। शाइन इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर पर आपको वही प्लेट तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 11.5 से लेकर 12 हज़ार रुपये के राउंड अबाउट में मिलेगा। इस 12 हज़ार की प्लेट के साथ एक कूलर और एक पंखा चल सकता है? हाँ, बिल्कुल आपके पास। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जनाब हमने घर के ये जो पंखे हैं, छत के पंखे चलाने हैं, ठीक है, और चंद बल्ब चलाने हैं, तो उसके लिए कितना सिस्टम? देखें, एक छोटा जो खानदान है, छोटी फैमिली है, उसके लिए अगर उसने 2 पंखे और 2 लाइटें चलानी हैं, उसके लिए हमारा जो पैकेज है, जो मार्केट में जो पैकेज सेल हो रहे हैं वो तकरीबन 1,50,000 के राउंड अबाउट सेल हो रहे हैं। हम ये अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 80 से लेकर 85,000 का पैकेज है, जिसमें मैं आपको 2 प्लेटें साथ दूंगा, साथ एक इन्वर्टर होगा, साथ वायर होगा, साथ उसमें स्टैंड होगा सारा। तो ये आपका सिस्टम लगा, बैटरी इसके अलग से होगी। ये अगर सिस्टम लगाते हैं तो इसमें आपके 2 पंखे और 2 लाइटें या 3 लाइटें पूरा दिन आसानी तरीके से विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो है ये चलती रहेगी सारी इसमें। मतलब यानी कि 80,000 रुपये में आप पूरा घर रोशन कर सकते हैं, ठंडी हवा ले सकते हैं पंखों की। बिल्कुल बिल्कुल की नॉर्मल 2 पंखे 80,000 रुपये में, 2 पंखे और 2 लाइटें अप्रॉक्सीमेट जो है ना वो आपकी इजीली जो है वो चल सकती है सर इसमें। अब आ जाते हैं कि जनाब हमने 1 टन का अगर AC चलाना है, थोड़ी सी ठंडी हवा, आगे हब्स का मौसम है, कूलर से लोग उकता जाते हैं, तो थोड़ी सी ठंडी हवा अगर लेनी है तो जनाब उसके लिए क्या? देखें, 3 या 4 मरले का अगर जिसका घर है उसमें अगर उसने सार्फी ने अगर AC चलाना है, 1 टन का AC चलाना है, तो उसके लिए एक 3 KVA का पैकेज एक आइडियल पैकेज। ये मैं पैकेज जितने बता रहा हूँ इसमें बैटरीज शामिल नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 2.5 से लेकर 3 लाख रुपये का ये एक एस्टिमेट बनता है, जिसमें 6 प्लेटें लगती हैं, 7 नीचे एक इन्वर्टर होता है, 7 स्टैंड होता है, 7 वायर होती है, ये हमारा कम्प्लीट पैकेज होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि KVs में, ये जो आपने बताए हैं ये 1 KV 2 KV 3 KV है, ये जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें अगर आप थोड़ा बड़ा लगाना चाहते हैं, जिसमें 5 मरले का घर है जिसने 1.5 टन का अगर AC चलाना है, तो उसके लिए 4 किलोवाट का एक आइडियल 3 जो है ना वो सिस्टम है। 4 किलोवाट के सिस्टम में 1.5 टन का AC चल सकते हैं, लाइटें चल सकती हैं, पंखे चल सकते हैं, AC बंद करके अगर आप मोटर चलाना चाहते हैं आपकी मोटर भी आसानी तरीके से जो है ना वो चल सकती है। ये अप्रॉक्सीमेट तकरीबन को 3.5 से लेकर 4 लाख रुपये का ये पैकेज जो है बनाया है। ये जितने पैकेज हैं इसमें हम जो प्लेट्स लगा रहे हैं ये ओरिजिनल A-ग्रेड डॉक्यूमेंटेड पैनल होंगे, इसमें B-पेयर और 2 नंबर प्लेट्स हम किसी किस्म की जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करते, और ना ही इसमें जो इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं वो भी हम हल्की क्वालिटी का इन्वर्टर नहीं इस्तेमाल बिल्कुल
जो है वो नहीं करते। इन्वर्टर भी जो है ना वारंटी के साथ आपको जो है वो मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ शाइना इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर के ऊपर। अच्छा, ये मार्केट में तो जो जनाब बड़ी एक वो हवा चल रही है कि जनाब दो नंबर प्लेट्स भी आ रही हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, तो ये क्या चीज़? प्रोजेक्टेड पैनल होते हैं, दो नंबर पैनल होते हैं, बी पेयर पैनल होते हैं जो मार्केट में सेल हो जाती हैं। ये आपके सामने जो पैनल है ये कैनेडियन कंपनी का है, ये लॉन्जी कंपनी का है। लॉन्जी कंपनी का पैनल में ये है कि इसमें वो ऊपर सीरियल नंबर लिखा होता है सारा, वो सीरियल नंबर आप लॉन्जी कंपनी की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर सीरियल नंबर आप एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ से वेरिफिकेशन का कोड आ जाता है, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जो एक नंबर होगा उसको एक्सेप्ट हो जाएगा, दो नंबर या बी पेयर होगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा। इस लिहाज से इसकी वेरिफिकेशन चेक करना नहायत ही आसान और मौसर किस्म का हमने तरीकाकार बताया है, जो कि आप किसी भी शॉपकीपर के पास जाके आप इसको बआसानी तरीके से इसको चेक भी जो है वो कर सकते हैं, ताकि आप दो नंबर और बी पेयर प्लेट जो है ना बाज़ार से जो है वो ना ले लें आप। अच्छा, ये है लॉन्जी का पैनल और ये इस जानिब जो है ये कैनेडियन का पैनल है। ये दोनों मोनोपार्क हाफ कट टेक्नोलॉजी है। ये मोनोपार्क मोनो जो सी टेक्नोलॉजी होती है, ये क्लाउडी वेदर जो सा होता है ना उसमें भी ये बेहतरीन किस्म की जो है ना वर्क करती है। ज़्यादा मार्केट में किसकी हवा ज़्यादा है, कौन सा कामयाब तजुर्बा, लॉन्जी ठीक रही या दूसरी? लॉन्जी इस टाइम बेहतर है क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी है ये 22.6% इसकी एफिशिएंसी है। ये आजकल जो इनका वेरियंट आया हुआ है ये एंटी डस्ट जो सा इनका वेरियंट है, लॉन्जी हाइमो X6 टेक्नोलॉजी एंटी डस्ट है। ये मतलब इस पर डस्ट इतनी ज़्यादा जमती नहीं है सारी। ये कैनेडियन है, कैनेडियन ने अपना जो वेरिएंट निकाला है ये एन टाइप जो है वेरिएंट निकाला है। इसकी जो एफिशिएंसी है 21.3% इसकी एफिशिएंसी है। इसकी अगर मजबूत तौर पर आप देखें ये लॉन्जी जो है इस टाइम टॉप पर चल रही है, इसकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा है इसकी। अच्छा, लास्टली जाते जाते ये फरमा दीजिए कि ये जो मार्केट में एक वो जो पेपर सोलर की हवा है वो क्या चीज़? नहीं नहीं सर, पेपर सोलर में अभी किसी किस्म कोई सदाकत या जहाँ ना किसी के पास माल है ना कोई सेल कर रहा है, उसमें किसी किस्म की कोई सदाकत जो है वो नहीं है, वो फेक न्यूज़ है। कुछ व्लॉगर अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए वो उसको फेक न्यूज़ को जो है ना वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि उसकी खबर में किसी किस्म की कोई सदाकत जो है ना वो नहीं है। यही प्लेटें हैं, यही लग रही है सब जगह जो है यही लग रही है सारी प्लेटें। साहब भाई, ये अप्रोप्रिएट टाइम है, सही टाइम है इस टाइम लगवाया जाए या कुछ सोलर प्लेटें मजीद सस्ती हो जाएंगी कि एक वक्त आ जाएगा जनाब ये मुफ्त वाला सिलसिला? अरसलान भाई, आजकल सोलर अपनी सस्ती तीन सतह पर मौजूद है। इससे पहले कि गवर्नमेंट इस पर कोई टैक्स लगा दे, इससे पहले कोई इस पर ड्यूटी लग जाए, इससे पहले कि ये प्राइस इसकी दोबारा इंक्रीज हो जाए, इस टाइम सोलर अपनी सस्ती तीन सतह पर मौजूद है। तमाम सारिफिन को चाहिए, तमाम इस्लामी भाइयों को चाहिए कि अपने घरों को फौरन से पहले आप सोलर पर जो है शिफ्ट कर ले, ताकि बाद में से आपको मजीद जो बिजली के झटके आप लोगों को आगे जाके पढ़ने हैं उससे आपका छुटकारा जो है वो मिल जाए सर उसमें। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ शहाब कुरैशी भाई मौजूद थे जो कि सोलर पैनल एसोसिएशन के साथ वाबस्ता हैं और इम्पोर्टर भी हैं। तो ये बड़ा सुनहरी मौका है और बड़ा अप्रोप्रिएट टाइम है कि अगर आप बिजली के झटकों से बचना चाहते हैं तो जनाब अभी ही आप सोलर पैनल पर शिफ्ट हो जाएँ। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दें, अल्लाह के बाद।